तो गाइस ऐसे फुगे फुलाते फुलाते आप थक जाते होंगे, तो गाइस जरा सोचिए अगर हमारे पास एक कुछ फुगा फुलाने वाला कोई मशीन अगर हम बना ले तो कितना इंटरेस्टिंग होगा वो। तो बस गाइस इस वीडियो में हम उस मशीन को हम बनाने वाले हैं, और उसके लिए आपको चाहिए एक सिर्फ बॉटल और एक बलून जो फुगाना है हमें। तो गाइस चलिए हम स्टेप्स देख लेते हैं कि वो जो पंप मशीन है जो बलून फुगाना है हमें वो किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम। तो गाइस सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो बोतल है इस बोतल के ढक्कन को हमें निकालना है और इस पे कुछ मार्क लगाना है इस तरह से। देखिए हमें मार्कर पेन लेना है और मार्कर पेन से हमें मार्क लगाना है इस तरह से गाइस, देखिए इतने शेप में, ठीक है। बस इसे मार्क हो जाने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। इतना मैं कट करके आपको बताता हूँ किस तरह से। तो गाइस हमें इस तरह से कुछ काट लेना है इसको, ठीक है। अब उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें बोतल है, इस बोतल पे एक छोटा सा होल करना है, मतलब इतना सा, देख लीजिए इतना सा मैं होल करूंगा इसको, ठीक है, इतना मैं होल करूंगा ताकि इसमें हवा जा सके। तो मैं बाद में रीजन बताऊंगा इसके पीछे साइंस किस तरह से काम कर रहा है, बट गाइस फिलहाल के लिए इसका होल कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस हमें इस तरह से होल करके ले लेना है ताकि हम प्रेस करें तो अंदर जाए, ठीक है। गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो एक एक्स्ट्रा जो बलून है हमारे पास गाइस, उसको यहां से कट कर लेना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहां से कट कर लेना है इस तरह से, ठीक है, इसको फेंक देना है। और उसके बाद गाइस हमें यहां से कट करना है। गाइस मैं एक क्यू कर रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा अभी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लिया हूँ, ठीक है। तो गाइस इससे हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं अंदर से, तो गाइस देखिए इस तरह से हमें कर लेना है गाइस, ये साइज इस तरह से हमें लेना है ताकि जो हमने इसको कट किया है उसको पूरा कवर कर सके। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें पता है, इसको हमें चिपकाना है इसके ऊपर, ठीक है। मतलब चार कोने, चार साइड है ना, तो गाइस हमें तीन साइड चिपकाना और एक साइड उसको खुला छोड़ देना है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हमें खुला छोड़ना है, मतलब इस साइड से, देखिए इस साइड से हमें खुला छोड़ना है, ठीक है। चलिए मैं चिपका देता हूँ इसको, मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा। इसके लिए मैं सरल टाइप का यूज करूंगा, तो इसे बहुत ध्यान से चिपकाना कि गैप ना रह जाए। तो भाई इसको मैं चिपका लिया हूं इस तरह से, देख लीजिए। और मैं एक साइड से यहां पे ऐसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से मैं एक साइड से यहाँ पे गैप रखा हूँ, ठीक है, एक साइड से गैप रखा हूँ। तो बस गाइस आपका अभी पंप तैयार हो चुका है लगभग, ठीक है। तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ढक्कन को इस पे बंद कर लेता हूँ, अगर इस पे मैं लगाता हूँ ना बलून, इसको मुझे फुगाना है, तो उंगली रखना फिर इसको फुगाना, देखिए गाइस। तो गाइस देखिए इस पे आपको उंगली रखना है। तो गाइस आपके केस में ऐसा हो सकता है कि जो है कि इसको अंदर से बाहर निकल जाए, तो गाइस इस पे उंगली रखना दबाते रहना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरे केस में क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है। तो गाइस अगर आप सेवेट वगैरह अच्छे से लगाते हो गाइस तो थोड़ा भी लीक नहीं करेगा और आपको पकड़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। बट गाइस आपका काम तो चल ही जा रहा है इससे फुगा के, आपका मुंह तो नहीं दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा फुगा फूल चुका है, ठीक है, यहाँ मेरा फुगा फूल चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बना सकते हो घर पे ही साइंस एक्सपेरिमेंट। अगर सर मैं आपको बताता हूँ एक काम कैसे करता है, तो गाइस इसका काम इस तरह से है, क्योंकि जब हम इसमें हवा भर, मतलब इस पर उंगली रख के इस पर हवा भरते हैं, तो गाइस यहाँ से इस पर जो एक साइड से जब हम खुला रखे हैं उस तरह से हवा बाहर जाता है, बट गाइस
अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि ऐसे रबड़ है तो ये जब आता है अंदर तो उस पर प्रेशर पड़ता है ऊपर से तो दब जाता है, तो हवा जो है जो पचकता है तो गाइस हवा इसके इस छेद में से अंदर बाहर आता है, ठीक है। तो गाइस हम हवा तो दे रहे हैं अंदर, बट बलून में से हवा अंदर नहीं आ रहा है, ये बोतल जो हवा हम छोड़ रहे हैं, उंगली छोड़ रहे हैं तो इसमें से हवा जा रहा है। इस तरह से बोतल जो है पचकता है और फिर फूल जाता है वापस, बट हमारा बलून नहीं पचकता है। तो ये एक सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने मतलब किसी भी मतलब जो छोटे बच्चे वगैरह है उसको आप बता सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये मतलब एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना ना जाना और मेरे चैनल साइंटिफिक अभय को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।